जब से चालान नियम सख्त हुए हैं तब से कई ऐसी ऐसी खबरें सामने आ रही हैं, कई ऐसे बहाने सामने आ रहे हैं जिसे आपको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से कानूनी नियम बेहद सख्त हुए हैं, जुर्माना सख्त हुआ है उसको लेकर साथ के साथ खबरें भी आ रही हैं चालान से जुड़ी हुई, जिसे जानना आपको भी बेहद जरूरी है। अगर आपका कभी चालान नहीं कटा है और आप सावधानी से चलते हैं तो आप भी इस खबर को जरूर पढ़िए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। अगर आपको ये खबर नहीं पता है तो आपको भी चालान कट सकता है। कई ऐसे किस्से हैं जिसके जरिए लोग खुद ब खुद सतर्क हो जाते हैं, उसमें से कुछ किस्सों का जिक्र मैं यहाँ करूँगी, जिसके चलते आप अपनी सुरक्षा अपने हाथों कर सकते हैं। एक दौरान आपको बताऊंगी इस खबर के बारे में कि मेरठ की एक ऐसी खबर आ रही थी जहां पुलिस ने जैसे ही वाहनों को रोककर चालान काटने शुरू किए तो कुछ मजेदार बहाने भी ट्रैफिक पुलिस को सुनने पड़े थे उस दौरान। उसी दौरान आपको बता दें कि पुलिस ने बिना हेलमेट घूम रहे पुलिस कर्मियों को भी अनुशासन का पाठ पढ़ाया, यानी कि साफ तौर पर आप देख सकते हैं जहाँ पर पुलिस का जुर्माना कट सकता है, चालान कट सकता है, तो आम आदमी का कैसे बच सकता है वो इस चालान के जरिए। इसलिए आपको इसी से जुड़ी एक घटना, एक किस्सा आपको बताते हैं कि मेरठ में पुलिस लाइन के सामने टीआर सुनील कुमार ने हेलमेट ना पहनने पर एक इंस्पेक्टर की बाइक का चालान काट दिया। चालान काटते ही इंस्पेक्टर बिगड़ गया और अपनी बाइक को वहीं छोड़कर भाग गया, जिसके चलते बाद में पुलिस ने इंस्पेक्टर की बाइक को ट्रैफिक ऑफिस भेज दिया था। ये एक किस्सा था जिसके जरिए आप सबक ले सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि दूसरा किस्सा हमारे सामने ये आया था कि ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई के दौरान शहर का एक सिख व्यापारी नेता पुलिस से भिड़ गया। जी हाँ, वो वजह थी कि व्यापारी ने सिर पर पगड़ी पहन रखी थी और हेलमेट नहीं लगाया था। इस दौरान खूब हंगामा हुआ। व्यापारी का कहना था कि जब सिर पर पगड़ी बांध रखी है तो हेलमेट कहाँ से वो लगा सकते हैं। मामले को तूल पकड़ता देख अन्य व्यापारी भी मौके पर पहुंचे और पुलिस पर उत्पीड़न का आरोप लगाया। पर आपको बता दें कि पुलिस जो भी कर रही है आपकी सुरक्षा के लिए कर रही है। पगड़ी से ज़्यादा आपका हेलमेट पहनना ज़रूरी है, क्योंकि वो आपके सिर का बचाव करती है। जितने भी नियम सख्त किए गए हैं वो आपकी सुरक्षा के लिए ही किए गए हैं। इसको नकारात्मक सोच में ना लेकर अपने फायदे को लेकर अगर आप सोचेंगे तो आप खुद ब खुद अपने नियमों का पालन करने लग जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि एक किस्सा एक और आया था सामने कि एक दरोगा की पत्नी स्कूटी का चालान कटवाने पर भिड़ गई। थोड़ी देर तक महिला ने अधिकारी की पत्नी होने के कारण रौब जमाया, लेकिन बाद में शांत हुई। पुलिस ने बताया कि DGP OP सिंह ने एक सर्कुलर जारी किया, इसमें MP एक्ट का उल्लंघन करने वाले पुलिस कर्मियों के चालान काटने के निर्देश सभी SSP को दिए गए हैं। ऐसे में लोग समझ नहीं पाते कि कुछ नियमों को सख्त किए जा रहे हैं वो आपकी सुविधा के लिए हैं। इसलिए आप भी इन बेचीदा हरकतों से बचिए और चालान के नियमों का पालन कीजिए, ट्रैफिक रूल फॉलो कीजिए और आप इन हरकतों से सावधान रहिए। नेक्स्ट 9 टेक से नाजमिन की रिपोर्ट।